दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा पढ़ेंगे, द मंकी स्पॉ। छोटा सा एक एक्ट का प्ले है जिसे लिखा था w.Jacobs ने। इस प्ले में होता क्या है कि एक बंदर का पंजा होता है सूखा हुआ। उस सूखे हुए पंजे को सर्जेंट मेजर मॉरिस अपने घर पर ले आते हैं। दरअसल दोस्तों सर्जेंट मेजर मॉरिस ब्रिटिश आर्मी में थे और इंडिया में सर्व करते थे। जब इंडिया ग़ुलाम था अंग्रेज़ों का, तब मेजर मॉरिस ब्रिटिश आर्मी में इंडिया में पोस्टेड थे। तो जब मेजर मॉरिस इंडिया में थे तो वहाँ से वो ये बंदर का पंजा अपने घर लाए थे। मेजर मॉरिस कहते हैं कि इंडिया में एक बाबा ने 20 साल से तपस्या करी है और 20 साल की तपस्या से इस पंजे पर उन्होंने मंत्र फूका है। उस बाबा ने जो मंत्र फूका है उसकी वजह से ये पंजा किसी की भी 3 विशेष को पूरा कर सकता है। 3 अलग अलग लोगों की 3 अलग अलग विशेष को ये पंजा पूरा कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो कोई भी इस पंजे से विश मांगेगा उसकी विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसको एक भारी कीमत चुकानी होगी उस विश के बदले में। दोस्तों मेजर मॉरिस इस पंजे के सेकंड ओनर हैं, आप याद रखना इस बात को। और जो फर्स्ट ओनर था ना इस पंजे का, उसने अपनी थर्ड विश में मौत मांगी थी। जी हाँ, 2 विशेस पूरी होने के बाद जो थर्ड विश थी, जो लास्ट विश थी उसकी, उसने उस लास्ट विश में अपनी मौत मांगी थी। उसके बाद ये पंजा मेजर मॉरिस ले आते हैं। तो मेजर मॉरिस इसके सेकंड ओनर थे। अब दोस्तों मेजर मॉरिस का एक दोस्त है मिस्टर वाइट, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस पंजे के बारे में सुनकर। लेकिन मेजर मॉरिस इस पंजे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो पछता रहे थे इस पंजे को अपने घर पर लाकर। मेजर मॉरिस इस पंजे को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि ये पंजा किसी गलत हाथ में ना लगे। वो इस पंजे को आग में फेंक रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर वाइट उस पंजे को बर्बाद नहीं होने देते और ज़िद करते हैं, खूब ज़िद करते हैं मेजर मॉरिस से, और वो पंजा ले लेते हैं। हालांकि मॉरिस मिस्टर वाइट को बहुत मना करता है कि ये पंजा मत लो, तुम पछताओगे, लेकिन मिस्टर वाइट के सर पर तो जिद सवार थी और मिस्टर वाइट वो पंजा लेकर छोड़ते हैं। मेजर मॉरिस भी थक हार कर उसको पंजा दे देते हैं और मिस्टर वाइट को बताते हैं कि कैसे तुम्हें इस पंजे से विश मांगनी है। मेजर मॉरिस कहता है कि तुम्हें विश को ज़ोर से बोलना है और एक हाथ में इस पंजे को पकड़ना है। मॉरिस साथ में ये भी कहता है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ, कुछ गलत हुआ, तो उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। अब दोस्तों मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट तीनों अपने घर में हैं, इनकी पूरी फैमिली है, और वो तीनों बहुत एक्साइटेड हैं अपनी फर्स्ट विश मांगने को। वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या मांगे, उनके पास सब कुछ है खुदा का दिया हुआ। फिर उन्हें याद आता है, उनके बेटे को याद आता है कि हमें तो घर की इंस्टॉलमेंट भरनी है 200 पाउंड की, तो हम अपनी पहली विश में 200 पाउंड्स मांगते हैं। तो मिस्टर वाइट अपनी पहली विश मांगते हैं 200 पाउंड्स की, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मिस्टर एंड मिसेस वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट कहता है कि ये क्या फजूल है, हमें तो कोई पैसे नहीं मिले, ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है, इसने तो हमारा टाइम वेस्ट करा है, फजूल की चीज़ है ये। और सब लोग उस पंजे को हल्के में लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद उनका जो बेटा है हर्बर्ट, वो काम पर चला जाता है। दरअसल दोस्तों इन दिनों हर्बर्ट की नाइट शिफ्ट है, तो वो रात को काम करने के लिए जा रहा है जॉब के लिए, और हर्बर्ट ये कहता हुआ जाता है कि मैं सुबह नाश्ता आप लोगों के साथ करूँगा, मैं नाश्ते से पहले आ जाऊँगा। अब दोस्तों सुबह होती है, मिस्टर एंड मिसेस वाइट नाश्ते के लिए हर्बर्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन हर्बर्ट अभी तक घर पर नहीं आया। दोस्तों दरवाजे पर फाइनली कोई आता है, लेकिन वो हर्बर्ट नहीं होता बल्कि एक लॉयर होता है जो हर्बर्ट की ही कंपनी में काम करता है। लॉयर मिस्टर एंड मिसेस वाइट को बताता है कि कल रात एक्सीडेंटली हर्बर्ट की मौत हो जाती है। हर्बर्ट मशीन के अंदर आकर पिस जाता है, कुचल जाता है, और इसलिए कंपनी आपको 200 पाउंड्स दे रही है एज अ कंपेंसेशन। तो दोस्तों इस तरह मिस्टर एंड मिसेस वाइट ने जो विश मांगी थी 200 पाउंड्स की,
वो पूरी हो जाती है, लेकिन इस विश के लिए उन्हें अपने बच्चे को खोना पड़ा। एक बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। एक तरह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। मिस्टर एंड मिसेस वाइट बहुत परेशान हैं। उनके बेटे की मौत को अब 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मिसेस वाइट बहुत बेचैन हैं। उनकी बेचैनी किसी भी तरह से कम नहीं हो रही। उन्हें अपना बेटा वापस चाहिए। अब दोस्तों, मिसेस वाइट को याद आता है कि हमने अभी तक सिर्फ एक ही विश मांगी है उस मंकी पॉ से। अभी तो हमारी दो विशेस और बाकी हैं, तो क्यों ना हम अपनी अगली विश में हर्बर्ट को वापस मांग लें। मिसेस वाइट मिस्टर वाइट से ज़िद करती हैं कि अगली विश में हर्बर्ट को आप वापस मांगो। मिस्टर वाइट मना कर देते हैं, लेकिन मिसेस वाइट नहीं मानती, उनकी एक भी नहीं सुनती। मिस्टर वाइट समझाने की कोशिश करते हैं मिसेस वाइट को कि हर्बर्ट की बॉडी इतनी बुरी तरह से मशीन में पिस गई थी कि उसको सिर्फ कपड़ों से पहचाना जा सकता था, और अब तो उसको दफनाए हुए भी 10 दिन हो गए हैं। लेकिन मिसेस वाइट मिस्टर वाइट की एक नहीं सुनती, और आखिरकार मिस्टर वाइट को मिसेस वाइट की बात माननी पड़ जाती है, और फाइनली वो अपनी सेकंड विश में हर्बर्ट को कब्र से वापस मांगते हैं। दोस्तों, इस बार भी एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। मिसेस वाइट की बेताबी बहुत बढ़ जाती है और वो दौड़कर दरवाजे की ओर जाती हैं, लेकिन मिस्टर वाइट बहुत घबरा जाते हैं। मिस्टर वाइट के कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर वाइट सोचते हैं कि भला उनका बेटा वापस कैसे आ सकता है, उसको दफनाए हुए तो 10 दिन हो गए हैं। मिसेस वाइट दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे की कुंडी बंद हो जाती है और दरवाज़ा जाम हो जाता है, खुल नहीं रहा होता है। दूसरी ओर मिस्टर वाइट जल्दी जल्दी बंदर के पंजे को ढूंढना शुरू कर देते हैं अपनी थर्ड विश पूरी करने के लिए। मिस्टर वाइट को पंजा मिल जाता है और वो अपनी थर्ड विश करते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं कि हमारे दरवाजे के बाहर जो कुछ भी है, चाहे वो हर्बर्ट है या कोई और है या कुछ भी फॉर्म है, उसको वापस भेज दो। और फाइनली दरवाजे की खटखटाहट बंद हो जाती है। मिसेस वाइट दरवाज़ा खोलकर देखती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी द मंकी स्पॉ की कहानी। ये एक सुपर नेचुरल शॉर्ट स्टोरी थी। आई होप आपको ये कहानी और नरेशन दोनों पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में भी लिख के बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।